सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग आई फ्रेम जनरेटर वेबसाइट बना सकते हैं। ये बहुत ही प्रीमियम स्क्रिप्ट है जो मैंने आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक है। यहां पर ऊपर से ऐड लगा सकते हैं। तो इसे का डेमो दिखाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कई और ले दिया। यहाँ से आप लोग नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको बार यस करता हूँ। यहाँ से बॉर्डर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑन करके डेट यहाँ पर कलर कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। इसका जोड़ने यहाँ से तो हाइट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1080 रख देता हूँ। यहाँ से 720 यहाँ से जनरेट आई फ्रेम कोड पे जैसे क्लिक कीजिएगा या नीचे लोड होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डेमो देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग कॉपी कोड पर क्लिक कीजिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हाउ टू क्रिएट प्रीमियम फ्रेम जनरेटर वेबसाइट। तो यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वो मैं लिखा हुआ है इस पोस्ट में। यहाँ से आप लोग डेमो देख सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये लोड हो रहा है। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर से लोड हो रहा है अभी भी। तो यहाँ से आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करना है और लैपटॉप को फिल कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करके क्लिक है टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से 12 सेकंड का टाइम आएगा तो यहाँ पर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये अभी भी लोड ही हो रहा है। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो इसे मैं इन फोल्डर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ। यहाँ से मैं एडिट इस नोट पैड प्लस प्लस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, फिर कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। तो ये कॉपी हो चुका है। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। यहाँ से ब्लॉगर में जाना है। इसे न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू ब्लॉग पर क्लिक किया। यहाँ से मैं नाम चूज कर लेता हूँ आई फ्रेम जनरेटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई फ्रेम जनरेटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा चुका है। यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से एक URL चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई फ्रेम जनरेटर 3 4 5 यहाँ पर दे दिया हूँ ताकि ऐसा नहीं हो। यहाँ से सेव पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर अवेलेबल है इसलिए। तो यहाँ से मैं थीम पर क्लिक करता हूँ। थीम पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर होगा सिंपल ब्लॉग नाम का है, उस पर क्लिक करके अप्लाई करके गॉट इट पर क्लिक कर देना है। फिर ऊपर जाना है, फिर एरो पर क्लिक करना है, फिर मोबाइल सेटिंग में जाना है। तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, फिर सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर एरो पर क्लिक करना है, फिर स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर क्लिक करना है, फिर स्विच विदाउट बैकअप, फिर एरो पर क्लिक कर चेंज नेवर पर क्लिक करके सेव कर देना है। यहाँ से एडिट HTML पर क्लिक करना है, फिर कंट्रोल ए प्रेस करके कंट्रोल बी प्रेस कर देना है। यहाँ से सेव कर देना है। तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है। यहाँ से बैक जाके व्यू ब्लॉक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ हमारा वेबसाइट कुछ सेम बन चुका है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। मैंने वेबसाइट का लिंक डाला। यहाँ से इसको बार यस किया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ
पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड भी आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।